So students, where here you can see. So students, here you can see tenophora, structure of the tenophorans. यहाँ पे आपको ये जो एक ऑर्गेनिज्म दिखाया गया है दैट इज़ कॉल्ड प्लूरोब्रेकिया. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नाम आपको याद रखना है, प्लूरो प्लूरो, ठीक है, और फिर है ब्रैकिया ब्रैकिया, ये ठीक है, प्लूरोब्रैकिया. प्लूरोब्रैकिया जो है, जैसे आप कॉम जेली कह रहे हो, कॉम जेली, ठीक है, तो ये जो प्लूरोब्रैकिया है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मेन मेन जो है, पहली बात तो आपको देखना है यहाँ पे 8 कॉम्ब प्लेट्स हैं. ठीक है, नंबर कितने हैं, 8 कॉम्ब प्लेट्स. तो देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 इधर हैं, फिर 1 2 3 4, तो ये 4 इधर और 4 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 8. ठीक है, तो 8 कॉम्ब प्लेट्स हैं, आपको ध्यान रखना है. ठीक है, जब भी आप इसका फिगर बनाएंगे आप इस बात का ध्यान रखेंगे. देन अनदर थिंग इज, ये जो 8 कॉम्ब प्लेट्स हैं ये क्या करते हैं, ये बहुत ही स्पेशल फीचर है इनका. क्या है स्पेशल फीचर ऑफ टीनोफोरेंस, क्या है कि इनका जो प्रेजेंस है ये सीलिएटेड होते हैं सीलिया के साथ. तो यहाँ पे देखिए आप, सीलिया सीलिएटेड भी होंगे, और ये काम करते हैं लोकोमोशन का, मतलब इनका जो फंक्शन है वो है हेल्प इन लोकोमोशन. ठीक है, बहुत ही पेक्यूलर है इनका ये स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन. नाउ वन थिंग स्पेशल फीचर इज़, यू कैन सी टेंटिकल, ये आपको दो टेंटिकल्स मिल रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. ठीक है, तो अब इन टेंटिकल्स का क्या काम है, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसे क्या चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एक्सक्रीशन होगा उसकी बॉडी से, बहुत सारे काम है. तो प्रे जो है, मतलब जो उसका शिकार है, जो फूड है, उसको कैप्चरिंग करना, और साथ में ये देखना कि कहीं आसपास कोई डेंजरस सिचुएशन तो नहीं है, कोई कोई एनिमी तो नहीं है, ये भी, ये सारा काम कौन करता है, टेंटिकल्स. ठीक है, ध्यान रखना है टेंटिकल्स. सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू नाइडेरिया मेड्यूसा. इसको पहले नाइडेरिया में या सिलेंडेटा में क्यों रखा गया था, क्योंकि ये मेड्यूसॉइड जनरेशन वाले जो, जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे जेलीज की बात आई थी ना वहाँ पे, तो मेड्यूसा में क्या होता है, जेली फिश वगैरह होती हैं, इसका स्ट्रक्चर दिखा तो पहले इसको फिर रख दिया. टीनोफोरा को अलग नहीं रखा गया, नाइडेरिया के एक ऑर्डर में रख दिया गया था. लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें तो स्टिंगिंग सेल्स होती ही नहीं. अब जब स्टिंगिंग सेल्स नहीं होती हैं तो हम इसको कैसे रख सकते हैं नाइडेरिया में, तो फिर इसको अलग कर दिया गया और एक नया फाइलम बनाया गया, टीनोफोरा. समझ में आई बात, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पुअरली स्टडीड ड्यू टू फ्रेजाइल नेचर. अभी देखिए, बहुत ज़्यादा इस फाइलम के बारे में और इसके ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाई है ना, तो आपको भी बस उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में है. ठीक है, यू कैन सी टीनोफोरा स्ट्रक्चर, बॉडी सरफेस 8 रोज में, अभी मैंने बताया आपको, कॉम लाइक पैडल्स होते हैं या कॉम प्लेट्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं इसमें, बहुत सारे सीलिया, छोटे 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 सीलिया होते हैं, ये स्विमिंग में भी इनको मदद करते हैं, मेनली आप कह सकते हैं लोकोमोशन. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन ऑफ टीनोफोरेंस. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.